अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इनका सलूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे और कौन कौन से मेथड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। Quadratic equation, any equation of the form ax square plus bx plus c, where a, b and c are real number with a not equal to zero is a quadratic equation. जब एक equation हमारे पास इस form में हो और a उस equation में a zero ना हो तो उनको हम quadratic equation कहते हैं। For example, हमारे पास equation है 2x square plus 5x plus 3 is equal to zero। इस इक्वेशन को आप देखिए तो इसमें ए बी एंड सी तीनों जो है नॉन जीरो है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप देखिए तो इस इक्वेशन में सी इज इक्वल टू जीरो है और ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें ए बी जीरो नहीं है, सी जीरो है, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप देखिए तो इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बाकी b इज इक्वल टू जीरो और c भी इज इक्वल टू जीरो। तो इनमें b c जीरो है लेकिन a जीरो नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें x स्क्वायर की कोएफिशिएंट जीरो ना हो, तो उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जीरो हो जाए तो उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन हम दूसरा डिफिनीशन इस तरह भी करते हैं कि वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या सेकंड डिग्री इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट हो उनको हम इस इक्वेशन की डिग्री कहलाते हैं। अब हमारे पास एक नोड है ax square plus bx plus c equal to zero, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो फॉर्म है ये हमारे पास स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या है, तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ये है ax square plus bx plus c is equal to zero। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। दूसरा है द कोएफिशिएंट ऑफ x square must not be zero, otherwise it become a linear equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x square का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है और उनसे लीनियर इक्वेशन बन जाता है। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है ax plus b is equal to zero। तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें आप देखिए तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहलाते हैं और लीनियर इक्वेशन भी कहलाते हैं। अब हम इस के बाद डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनसे पहले हम ये जानेंगे कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन से मुराद क्या है। सोल्यूशन आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सोल्यूशन क्या है या रूट्स क्या है। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन आर रूट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल
फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ट्रू इज कॉल्ड आर कॉल्ड सॉल्यूशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन या रूट से क्या मुराद है? सॉल्यूशन या रूट किसको कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है या रूट्स क्या है? वो तमाम वैल्यूज वेरिएबल के जिस पर एक इक्वेशन ट्रू हो जाए तो उनको हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में ये एक्स जो है वेरिएबल है, इसको जो वैल्यू हम देते हैं जिस पर ये इक्वेशन ट्रू हो जाता है तो उनको हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्स को हम थ्री वैल्यू दे दें, एक्स को अगर हम थ्री वैल्यू दे दें तो थ्री को इस इक्वेशन में फुट करें तो थ्री स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो इनसे क्या नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू थ्री पर क्या है? ट्रू है। अब हम एक्स को माइनस थ्री वैल्यू देते हैं, माइनस थ्री वैल्यू अगर हम एक्स को दे दें तो क्या आ जाते हैं? माइनस थ्री होल स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, नाइन नाइन इज इक्वल टू जीरो, इन सी जीरो भी आ जाते हैं और इन सी जीरो आ जाते हैं। तो एक्स को अगर हम थ्री वैल्यू दे दें तो उनसे भी ये इक्वेशन ट्रू है, अगर माइनस थ्री वैल्यू दे दें तो उनसे भी ये इक्वेशन ट्रू है। तो एक्स की इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन कहते हैं। ये दो वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन के, ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशन है। अगर हम तीसरा एक वैल्यू दे दें, एक्स इज इक्वल टू टू दे दें तो टू को फुट करें माइनस नाइन इस इक्वेशन में इज इक्वल टू जीरो, इनसे फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, इनसे क्या आ जाता है? इनसे माइनस फाइव आ जाता है, माइनस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस फाइव, इस पर ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। तो ये एक्स इज इक्वल टू टू इज नॉट द रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक्स इज इक्वल टू टू जो है ये इस इक्वेशन के, इन इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन में नहीं आता। तो आपको समझ आया होगा कि x इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये दो वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या रूट्स है। तो आपको सॉल्यूशन या रूट्स समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन या रूट्स से मुराद क्या है। वो तमाम वैल्यूज वेरिएबल की जिनसे एक इक्वेशन ट्रू हो जाए तो उनको हम सॉल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं। अब हम इनके बाद सॉल्यूशन सेट को जानेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट क्या है। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस of an equation is called solution set। तमाम solutions या roots की set को हम solution set कहते हैं। For example, x square minus 9 is equal to 0, ये एक equation है। इस equation के दो roots हैं, यानी दो solution हैं। x इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अगर इन दोनों सॉल्यूशन या रूट्स को हम एक सेट फॉर्म में लिखे तो इनको हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अगर सेट फॉर्म में लिखी थ्री माइनस थ्री तो इनको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। ये इन इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन सेट है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन सेट क्या है।
तो जब हम किसी इक्वेशन की सोल्यूशन को या उनकी रूट्स को एक सेट फॉर्म में लेके तो उनको हम उन इक्वेशन की सोल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं। अब इनके बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन या रूट्स को हम किस तरह या किस मेथड से हम फाइंड करेंगे। अब हम इस बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन दो मेथड हम इधर पढ़ेंगे। एक है बाईफैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है तीसरा बाय फार्मूला मेथड या बाय फार्मूला। लेकिन ये बाय फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया हुआ है। जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से डिराइव करके उनसी फार्मूला आ जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दो मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के सोल्यूशन जो है वो किस तरह हम इन दो मेथड से फाइंड करेंगे, ये आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको तफसील से पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।